वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कीमोसिंथेटिक और मॉडर्न और नेचुरलिस्टिक या फिर मेटलिस्टिक थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ लाइफ का सेकंड पार्ट दैट इज बायोजेनी। लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कीमोजेनी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हुए थे। स्टेप बाई स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं, एटम से मोलिक्यूल, मोलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, देन कोसर्वेट्स फॉर्म हुए थे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे कीमोसिंथेटिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ का बायोजेनी। बायोजेनी में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, यानी कोसर्वेट्स बन गए थे उनसे प्रिमिटिव लाइफ कैसे बनेगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव लाइफ की अगर हम बात करें, एज द सेलुलर फिजियोलॉजी इज आउटकम ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सेलुलर फिजियोलॉजी का मीनिंग है जो भी हमारी सेल्स के अंदर, जो भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस चलती हैं, मेटाबॉलिज्म चलता है, तो वो सारे के सारे क्या है, आउटकम है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का। ठीक है, वो क्या है, आउटकम है एंजाइमेटिक एक्टिविटी का। लाइक हमने कोई भी फूड ईट किया या फिर हमारे अंदर कोई भी टाइप की रिएक्शन होती है वो एंजाइम्स के थ्रू ही होती है। तो एज द सेलुलर फिजियोलॉजी इज द आउटकम ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सो द एंजाइम मस्ट हैव डेवलप्ड बिफोर द सेल्स। यानी सेल बनने से पहले एंजाइम का बनना जरूरी है, तभी तो सेल को, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो सेल को चलाएगा। Gradually, the gene aggregates become surrounding by a complex system of enzyme which is formed the cytoplasm. अब gradually, धीरे धीरे क्या हुआ है, यहाँ पे जो जीन एग्रीगेट्स है वो बनने स्टार्ट हुए। हमने बात कर ली थी कोसर्वेट्स की, अब उसके अंदर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट थे, उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट थे। तो ये जो जीन एग्रीगेट्स थे यहाँ पे, ये सराउंड हो गए एक कम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर ऑफ एंजाइम, जिसके अंदर विच फॉर्म द साइटोप्लाज्म, जिसने क्या फॉर्म किया, साइटोप्लाज्म फॉर्म कर दिया सेल का। दिस एंजाइम्स कुड हैव कम्बाइंड द नाइट्रोजनस बेस सिंपल शुगर्स एंड फॉस्फेट्स इंटू न्यूक्लियोटाइड्स। अब इन एंजाइम्स ने क्या फॉर्म किया, नाइट्रोजनस बेसिस सिंपल शुगर्स हो गई, फॉस्फेट्स हो गई, उनकी फॉर्म में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स बना दिए। ठीक है, ये क्या फॉर्म कर दिए, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म कर दिए। न्यूक्लियोटाइड्स माइट हैव कम्बाइंड टू फॉर्म डीएनए एंड आरएनए, एंड ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये देन आरएनए एंड डीएनए की फॉर्म में क्या हुए, कंबाइन हुए। सम चांसेस एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माइट हैव गिवन राइज टू अ सिस्टम दैट कुड रिप्रोड्यूस। ठीक है, अब कुछ चांसेस ऐसे एसोसिएट हुए जिसमें क्या हुआ, प्रोटीन्स, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स एंड कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उन्होंने क्या, एक सिस्टम फॉर्म किया जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता था। ठीक है, जो क्या कर सकता था, अपनी जैसे, अपने से अलग, अपने से प्रोड्यूस कर सकता था अदर टाइप की सेल्स। तो ये रिप्रोड्यूस कर सकता था ये सिस्टम। द न्यूक्लियो प्रोटीन्स मार्क द बिगनिंग ऑफ लाइफ, एंड जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स यहाँ पे बने, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन जो बने वो उन्होंने क्या मार्क किया, बिगनिंग ऑफ लाइफ मार्क की। सच अ स्ट्रक्चर इज कंपेरेबल टू अ फ्री लिविंग वायरस एंड वर आल्सो कॉल्ड प्रोटोवायरस और फ्री लिविंग जीन्स। अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ था ना, उसको बोला गया फ्री लिविंग वायरस, एंड इसको प्रोटोवायरस या फिर फ्री लिविंग जीन्स बोला गया। ठीक है, जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हुआ। सेल्फ रेप्लिकेशन एंड म्यूटेशंस ऑफ अ जीन। अब ये जो जीन यहाँ पे फ्री लिविंग जीन्स या फिर प्रोटोवायरस या फिर फ्री लिविंग वायरस फॉर्म हुआ था, अब इसके अंदर कुछ यहाँ पे सेल्फ रेप्लिकेशन म्यूटेशंस हुई, सेल्फ रेप्लिकेट किया, खुद से ही खुद को रेप्लिकेट किया, एंड इसके अंदर म्यूटेशंस हुई। म्यूटेशंस क्या होते हैं, स्मॉल चेंजेस होते हैं जीन के अंदर, वुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जीन एग्रीगेट। एंड इन्होंने क्या फॉर्म किया, जीन एग्रीगेट फॉर्म कर दिए, बहुत सारे जीन इकट्ठे हो गए, सपोज टू बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग क्रोमोजोम। एंड ये ऐसा सपोज किया जाता है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग क्रोमोजोम्स की फॉर्मेशन हो रही थी बाई वर्च्यू ऑफ देयर सेल्फ डुप्लीकेशन। ठीक है, ये सेल्फ रेप्लीकेशन कर रहा था, इसको फॉलो करते हुए न्यूक्लिक एसिड वर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग कैनोन प्रॉपर्टी, जिसको बोला जाता है हेरिडिटरी फंक्शन। तो इसने एक प्रॉपर्टी जो है इसकी फॉर्म हुई हेरिडिटरी फंक्शंस की
यानी कि एक जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक हमने जीन्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेके जाने की. सो द न्यूक्लिक एसिड्स शोड द फर्स्ट साइन. न्यूक्लिक एसिड्स ने क्या फॉर्म शो किया, फर्स्ट साइन शो किया ऑफ सेल्फ पर्चिपेटिंग लाइफ. ठीक है, कि लाइफ जो है वो सेल्फ पर्चिपेट कर रही है, यानी कि वो लंबे टाइम तक जो है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो स्टे कर रही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो स्टेबल हो रही है. लेटर अ थिन लिमिटिंग मेम्ब्रेन, इसके बाद एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन, एक थिन लिमिटिंग मेम्ब्रेन वॉज डिवेलप अराउंड द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अराउंड एक यहाँ पे क्या बन गई, थिन लिमिटिंग मेम्ब्रेन बन गई बाय फोल्डिंग ऑफ मोनोलेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन. एंड यहाँ पे क्या हुआ, मोनोलेयर्स जो थी फॉस्फोलिपिड्स की वो फोल्ड, उनकी फोल्डिंग हो गई. ठीक है, सिंगल लेयर जो थी लिपिड्स की, उनकी फॉस्फोलिपिड्स की, वो फोल्ड हो गई एंड ये फॉर्म कर देंगे यहाँ पे एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म फॉर्म हो गया, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई. It is possible that first cell arose in the same way. तो ऐसा माना जाता है कि पॉसिबल वे हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सेल जो है वो इस वे में अराइज हुई होगी. एज कोसर्वेट्स वर फॉर्म्ड इन द प्रिमिटिव वाटर बॉडीज. कोसर्वेट्स जो है वो कहाँ फॉर्म हुए थे, प्रिमिटिव वाटर बॉडीज के अंदर फॉर्म हुए थे. द फर्स्ट सेल लाइक स्ट्रक्चर विद डिविजन पावर वर कॉल्ड इबोइंट्स और प्री सेल. जैसे कि प्रोटोबोइंट्स बन चुके थे, प्रोटोबोइंट्स से इबोइंट्स बनेंगी नेक्स्ट. इसको क्या बोला जाता है, सेल लाइक स्ट्रक्चर और प्री सेल इसको बोला जाता है. ऑपेरिन ने इनको प्रोटोबाइंट्स बोला था. ठीक है, इन ये जो इबोइंट्स बने थे इनको प्रोटोबोइंट्स ही बोला था ऑपेरिन ने. इबोइंट्स ओरिजिनेटेड अबाउट 3,500 मिलियन ईयर्स एगो. ठीक है, जो है इबोइंट्स जो है ये इतने मिलियन ईयर्स एगो बने थे. इसके अलावा ओसबोर्न और क्लीगर ने सजेस्ट किया दैट दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर लाइक बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोसोमोनास विच चेंजेस अमोनिया टू नाइट्राइट्स. ठीक है, जो क्या चेंज कर रहे थे, अमोनिया को नाइट्रो नाइट्राइट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास करते हैं. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया लाइक थे. इसके बाद दीज वर परहैप्स सिमिलर टू माइकोप्लाज्मा. इसके बाद ये देखा गया कि ये माइकोप्लाज्मा से भी सिमिलर है, विच गिव राइज टू मोनेरा जो होते हैं वो गिव राइज किया इन्होंने. ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा गिव राइज करेंगे. ये सेल विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. मोनेरा के अंदर क्या होता है, सेल होती है लेकिन विदाउट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी कि प्रोकैरियोट्स. एंड प्रोटिस्टा सेल विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, यानी कि सिंपल यूकैरियोट हम बोल सकते हैं. कि प्रोटिस्टा क्या है, सबसे पहले सिंपल यूकैरियोट्स है, देन उसके बाद जो है और यूकैरियोट्स फॉर्म हुए. तो ऐसा माना गया कि माइकोप्लाज्मा जो है ये सिमिलर उससे था जिसने जो मोनेरा है वो गिव राइज किया, देन प्रोटिस्टा गिव राइज हुआ यहाँ पे. दिस मोनेरा इंक्लूड प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. एंड ये जो मोनेरा है, इसने गिव राइज के प्रोकैरियोट्स जिसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया इंक्लूड होते हैं. द प्रोटिस्टा गिव राइज टू यूकैरियोट्स. एंड प्रोटिस्टा ने क्या किया, यूकैरियोट्स को गिव राइज किया दैट इवॉल्व्ड इनटू प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड मेटाफाइटा. देन बाद में क्या हो गई, ये प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड मेटाफाइटा के अंदर इवोल्व हो गई. इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का. लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हुए. अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है कि इनकी फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुई. इन 1953 के अंदर, ठीक है, 1953 के अंदर स्टैनले एंड मिलर एंड हारोल्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एंड यूरे ने, इन चार साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया. एक्सपेरिमेंटली प्रूव द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम सिंपलर कंपाउंड अंडर रिड्यूसिंग कंडीशंस. इन्होंने क्या किया, जो सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे क्या किया, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन दिखाई अंडर रिड्यूसिंग कंडीशंस. क्योंकि प्रिमिटिव लाइफ जो थी, प्रिमिटिव अर्थ जो थी, वो क्या थी, रिड्यूसिंग कंडीशंस थी उसके ऊपर. तो इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस भी बोला जाता है.
तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ, इन्होंने एक फ्लास्क ली एंड इस फ्लास्क के अंदर वैसी ही प्रिमिटिव कंडीशंस यहाँ पे क्रिएट की जैसी प्रिमिटिव अर्थ के अंदर होती थी। जैसी कंडीशंस प्रिमिटिव अर्थ के अंदर थी वैसी ही कंडीशन इन्होंने क्रिएट की, और यहाँ पे जैसे कि वाटर, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस, ये यहाँ पे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो गैसेस प्रेजेंट थी वो ली। इसके अलावा वहाँ पे लाइटिंग एंड स्पार्किंग चलती रहती थी, तो इन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे फिट किए टंगस्टन के, ठीक है, टंगस्टन के दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे फिट किए जिनसे इलेक्ट्रिकल स्पार्क या फिर लाइटिंग होती थी। इसके अलावा यहाँ से आता था यहाँ पे जो इस टाइम पे जो वाटर यहाँ पे जो यहाँ से इस डायरेक्शन में वाटर वेपर जो है वो सर्कुलेट हो गए यहाँ पे आते थे, क्योंकि उस टाइम पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे। तो ये सेटअप यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे वही टेम्परेचर था जो उस टाइम पे अर्थ का था, ठीक है, वही टेम्परेचर था। इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट था ये, इसमें वाटर, मीथेन एंड अमोनिया जो था ये यहाँ पे उसी अमाउंट के अंदर या फिर उसी रेशो के अंदर, जैसे कि 2:1:2 रेशो जो था, ठीक है, 2:1:2 का जो रेशो था वही रेशो इन्होंने लिया जो कि उस टाइम पे प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था, ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद क्या किया, ये जो वाटर था यहाँ पे, इस वाटर को क्या करवाया, यहाँ पे कंडेंसर के थ्रू यहाँ पे पास करवाया। यहाँ से कोल्ड वाटर आ रहा है, यहाँ से कोल्ड वाटर जा रहा है, एंड ये जो यहाँ पे आएंगे ये क्या आएंगे यहाँ पे, एक तरह से जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हो गया था तो वहाँ पे बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, तो ये जो है कोल्ड वाटर जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे ट्रैक किया जाता था कैलोरीमेट्रिक मेथड्स के थ्रू, यहाँ पे इनकी सैम्पलिंग की जाती थी और इनको डिटेक्ट किया जाता था कि कौन सा यहाँ पे कंपाउंड है। तो इसके अंदर अमीनो एसिड लाइक ग्लाइसिन, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड ये प्रेजेंट थे, फैटी एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये प्रेजेंट थे, एंड कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट थे जैसे कि एल्डिहाइड एंड एचसीएल, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड जो है ये भी प्रेजेंट थे। अब ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है जब इसको और ज़्यादा इरेडिकेट किया गया यहाँ पे, और इस इरेडिकेशन की वजह से इसने फॉर्म कर दिए प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, क्योंकि इनके अंदर प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, इसको और ज़्यादा यहाँ पे इरेडिकेट किया गया उसके बाद यहाँ पे और ज़्यादा एग्रीगेट बनके प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स फॉर्म हुए। तो इसको स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस बोला जाता था। इसके बाद यह जो वाटर है यहाँ पे आ जाता था अगेन, इसको हीट करके यहाँ पे ये जो है साइकिल चलती रहती थी, एंड ये जो कंडीशंस थी रिड्यूसिंग कंडीशंस थी या फिर उस टाइम पे प्रिमिटिव के एटमॉस्फेयर था, वो सारी कंडीशंस या फिर लाइटिंग होती थी वो सारी कंडीशंस इस सेटअप के अंदर देखी, एंड यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ ऑब्जर्व की जो कि एक तरह से उस थ्योरी के अंदर बताया गया कि केमिकल इवोल्यूशन के अंदर ये हुआ था। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस का। इसके बाद कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बन गए, अब कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या था, सिडने डब्ल्यू फोक्स ने क्या किया 1957 के अंदर, इसने रिपोर्ट किया व्हेन ए मिक्सचर ऑफ 18-20 अमीनो एसिड्स, ठीक है, 18-20 अमीनो एसिड्स का इसने मिक्सचर लिया, इज हीटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट, एंड यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इसने लिया 160 to 120 डिग्री सेल्सियस, फॉर सेवरल आवर्स तक इसने इसको मिक्सचर को हीट किया, एंड देन कूल्ड, फिर इसको कूल कर दिया, मैनी अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज। अब अमीनो एसिड्स तो हमने देख लिए थे कि वो फॉर्म हो गए थे, अब या फिर इसने मिक्सचर ही लिया था अमीनो एसिड्स का, तो ये अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज होके पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स थे पहले, अमीनो एसिड्स पॉलीमराइज करेंगे तो ये ऐसे चेन्स फॉर्म कर लेंगे, एंड इन चेन फॉर्म करने के बाद इन चेन्स को बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड्स प्रेजेंट होंगे, पेप्टाइड यानी अमीनो एसिड, तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई जिनको थर्मल प्रोटीनोइड्स बोला जाता था, ठीक है, थर्मल प्रोटीनोइड इनको बोला जाता था। फोक्स स्टेट दैट दीज प्रोटीनोइड विद वाटर फॉर्म्ड द कोलाइडल एग्रीगेट्स कॉल्ड कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स, एंड इसने ये भी स्टेट किया कि ये जो प्रोटीनोइड्स बने हैं विद वाटर ये फॉर्म्ड हो जाते हैं पानी के साथ कोलाइडल एग्रीगेट्स के अंदर, और इनको ही कोसर्वेट्स और माइक्रोस्फीयर्स बोला जाता है।
He also reported the formation of porphyrins, nucleotides and ATP form simple molecule and जो HCN है वो भी इसने क्या किया ऑब्जर्व किया कि ये भी यहाँ पे इसने रिपोर्ट किया कि ये भी इनकी फॉर्मेशन भी पोर्फ्रीन की न्यूक्लियोटाइड्स की एटीपी की एटीपी फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन साइनाइड ये भी यहाँ पे फॉर्म हुए. Foxitel produced the nucleic acid by heating mixture of nucleotides and sulfates to about 60 degrees Celsius for some time. इसके अलावा Fox ने and other कुछ scientists ने मिलके nucleic acid भी produce किए. कैसे produce किए? By heating mixture of nucleotides and sulfates लेके and about 60 degrees Celsius temperature के ऊपर. ठीक है, तो उस टाइम पे भी ऐसे ही फॉर्म हुए थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि ये ऐसे फॉर्म हुए थे एंड किस वे में यहाँ पे ये फॉर्म हुए थे. इसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया कि बायोजेनी के अंदर यहाँ पे इबॉइंट्स फॉर्म हो गए, प्रोटोबॉइंट्स फॉर्म हो गए या फिर सिंपल जो एविडेंसेस नहीं बोल सकते हम, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो थे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के. इसके बाद कुछ एविडेंसेस आते हैं जो फेवर करते हैं ऑपरेन हार्डेन थ्योरी को. ठीक है, ऑपरेन हार्डेन थ्योरी को जो क्या करते हैं फेवर करते हैं, जो कि हम केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, ऑपरेन ने प्रपोज की थी, हार्डेन ने इसको सपोर्ट किया था, तो उस थ्योरी के कुछ एविडेंसेस हैं. फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस लाइक प्राइमरी एटमोसफियर ऑफ द अर्थ बाई एसएल मिलर. ठीक है, मिलर एंड यूरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सिडनी डब्ल्यू एक् फोक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था. तो ये एक एविडेंस है जिसने प्रूव किया ऑपरेन हार्डेन थ्योरी को. सेकेंड आता है यहाँ पे एक्सोबायोलॉजिकल स्टडी हैव शोन दैट. एक्सोबायोलॉजिकल मीन्स जो एक तरह से एक्सो मीन्स बाहर की जो स्टडीज है, बायोलॉजिकल सिस्टम से बाहर की जो स्टडीज है या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ के बाहर की जो स्टडीज है, इन्होंने शो किया जुपिटर एंड सैटर्न स्टिल हैविंग अ रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर. ठीक है, जुपिटर एंड सैटर्न के अंदर क्या होता है यहाँ पे रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर है जैसे कि अर्थ के ऊपर था. ठीक है, जैसा रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ मार्स हैव बीन फाउंड अर्थ क्रस्ट एंड वैसे ही मार्स जो मार्स है मार्स की सरफेस के ऊपर वैसे ही रॉक्स मिलती है जैसे कि अर्थ की सरफेस के ऊपर जो फॉसिल्स मिले हैं वैसे टाइप की. इवन वन वीक अगो यहाँ पे एक जो है एक बोल सकते हैं हम एक न्यूज़ आई थी कि मार्स के ऊपर सोडियम क्लोराइड जो है साल्ट जो है वो मिला है. तो मे बी ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस वहाँ पर चल रही हो. तो ये एविडेंसेस थे यहाँ पे ऑपरेन हार्डेन थ्योरी के. इसके बाद आता है साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम थी उन साइंटिस्ट के लिए या फिर उन सब साइंटिस्ट के लिए जो कि इस ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं. तो रोल ऑफ वाटर इन ओरिजिन ऑफ लाइफ. ठीक है, साइट हमने पता चल गई कि वाटर बॉडीज के अंदर हुए थे, कोसर्वेट्स बने थे एंड तो ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसमें रोल ऑफ वाटर क्या है ओरिजिन ऑफ लाइफ में. तो वाटर जो है एक लिक्विड है जिसके अंदर 4 to 90 डिग्री सेल्सियस ये बोल सकते हैं हम प्रेजेंट है इसका टेम्परेचर है. लाइफ आल्सो एग्जिस्ट अप्रोक्सीमेटली इन दिस रेंज टेम्परेचर एंड 4 to 90 डिग्री सेल्सियस की रेंज है जो टेम्परेचर की उसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करती है या फिर उसमें लाइफ मिल सकती है. वाटर इज स्टेबल कंपाउंड. वाटर क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड एंड डजंट डिकम्पोज ईजिली. ठीक है, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता है इजिली, दस इट प्रोवाइड्स अ स्टेबल मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस. तो ये एक स्टेबल मीडियम प्रोवाइड करवाता है केमिकल रिएक्शंस के लिए, लाइक बहुत सारे केमिकल इवोल्यूशन के अंदर केमिकल सीरीज ऑफ रिएक्शंस हुई है उसके अंदर. वाटर गिव्स प्रोटेक्शन टू द ऑर्गेनिजम्स एंड वाटर जो है ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है थर्मल शॉक से. यानी कि एक तरह से जैसे हीट होती है बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर होता है, तो वाटर का टेम्परेचर जो है एकदम से उसकी जो सरफेस है ऊपर का ऊपर वाली लेयर है वो गर्म होगी, नीचे का नहीं होगा, क्योंकि जो एक तरह से हम बोल सकते हैं सन रेज है या फिर लाइट रेज है वो वाटर को एकदम से पेनिट्रेट नहीं करेंगी. अलग अलग टाइप की होती है वो, अलग अलग उनकी नेचर होती है, तो जो टेम्परेचर है वो एकदम से चेंज नहीं होगा. तो ऑर्गेनिजम्स की जो प्रोटेक्शन है थर्मल सोक से, ठीक है, यानी कि जो एक तरह से हीट या फिर टेम्परेचर का जो चेंज है, टेम्परेचर का जो शॉक लगेगा उससे ये प्रोटेक्ट करके रखती है.
इट डजेंट अलाउ क्विक चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब वाटर बॉडी क्विकली जल्दी से वाटर अपने अंदर ये अलाउ नहीं करती है कि एकदम से टेम्परेचर चेंज हो जाए, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी होती है लेटेंट हीट की. लेटेंट हीट का मीनिंग है ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब भी कर सकती है और टेम्परेचर को हम बोल सकते हैं कि ये रिलीज भी कर सकती है. एक्ट एज टेम्परेचर बफर. तो ये टेम्परेचर बफर की तरह एक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लेटेंट हीट की प्रॉपर्टी होती है तो ये टेम्परेचर बफर की तरह एक्ट करती है, तो थर्मल शॉक से ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करके रखती है. वाटर इज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस इन लिविंग सेल्स. एंड लिविंग सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस का जो सोर्स है वो क्या है, वाटर ही है. इसके अलावा यहाँ पे वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट ऑन अकाउंट इट्स पोलैरिटी एंड ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टी. वाटर एक एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है जो इसके अंदर क्या होती है, पोलैरिटी होती है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज होती है. ऑन फ्रीजिंग द वाटर एक्सपेंड्स एंड बिकम लाइटर. जैसे वाटर फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाती है, तो वाटर क्या हो जाता है, बिल्कुल एकदम से लाइटर हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है और लाइटर हो जाता है. एंड ये जो है शीट ऑफ आइस बना लेता है जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करती है. दिस फ्लोटिंग शीट ऑफ आइस कीप्स द वाटर बिलो वार्म एंड प्रोटेक्ट्स द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, वहाँ पे ये शीट बन जाएगी आइस की, तो वो जो नीचे का टेम्परेचर, नीचे वाटर का टेम्परेचर है वो क्या रहेगा यहाँ पे, उससे जो है वहाँ पे रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, वो प्रोटेक्ट रहेंगे. ड्यू टू दिस रीजन एक्वेटिक लाइफ कैन सर्वाइव इवन बिलो द एंटार्क्टिक सीट ऑफ आइस. एंड इसी वजह से जो एंटार्क्टिक सीट ऑफ लाइफ आइस है उसके नीचे भी लाइफ जो है वो मिलती है, यानी उसके नीचे भी कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. वो किसकी वजह से होता है, इस फ्रीजिंग प्रॉपर्टी की वजह से होता है. नॉन रिएक्टिव ड्राई केमिकल बिकम रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. अब कोई भी एक तरह से नॉन रिएक्टिव ड्राई केमिकल है वो रिएक्टिव बन जाएगा अगर वो वाटर के अंदर, वाटर की प्रेजेंस में आएगा. एंड इसके अलावा यहाँ पे प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड टेक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इन वाटर. ठीक है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, वाटर के अंदर वो अपना थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है, थ्री डी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे ले सकती है. लिपिड्स फॉर्म बाई लेयर इन वाटर. एंड लिपिड्स बाई लेयर जो है वाटर के अंदर फॉर्म करते हैं, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेलुलर बायोमेम्ब्रेन. जो क्या है, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेलुलर बायोमेम्ब्रेन. ऑल सेलुलर बायोमेम्ब्रेन क्या है, उनके अंदर एक फॉस्फोलिपिड की ऐसे बाई लेयर प्रेजेंट होती है. तो ये जो फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, इस फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर के अंदर यहाँ पे पोलर हेड प्रेजेंट होते हैं एंड ये नॉन पोलर टेल होती है. ये यहाँ पे हाइड्रोफिलिक होता है एंड ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है. तो ये अपने आप को वाटर की वजह से ऐसे अरेंज कर लेती है कि बाहर की तरफ पोलर हेड नजर आएंगे एंड अंदर की तरफ यहाँ पे नॉन पोलर टेल आएंगे. तो ये क्या फॉर्म कर लेती है, यहाँ पे बाई लेयर फॉर्म कर लेती है वाटर के अंदर. इट कॉजेज हाइड्रोलिसिस, यानी कि डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सो एक्ट एज स्प्लिटर. ये स्प्लिटर की तरह भी एक्ट करता है, कुछ कंपाउंड्स का ये डाइजेशन और हाइड्रोलिसिस कर देता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो सिंपल के अंदर ब्रेक हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर लिंक्ड बाई डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, सो एक्ट एज बाइंडर. इसके अलावा स्प्लिटर के अलावा ये बाइंडर की तरह भी एक्ट करता है, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को क्या कर देता है, लिंक कर देता है बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के थ्रू. यानी उनमें से वाटर निकल जाएगा, अगर डिहाइड्रेट हो जाएगा तो वो जो कंपाउंड्स थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, यानी कि ये बाइंडर की तरह भी एक्ट करता है. तो इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे यहाँ पे बायोजेनी होती है, कैसे यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से प्रूफ होते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एंड हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. एंड साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, इसके अलावा वाटर का क्या रोल है ओरिजिन ऑफ लाइफ के अंदर.
ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज और ये बायोजेनी हमने आज की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इवोल्यूशन का कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।